भूत, कोई बचाओ मुझे, यहाँ भूत है। ये होटल तो भूतिया है, भागो यहाँ से। होटल का मैनेजर ये सब देख के दम घबरा जाता है और केस को सॉल्व करने के लिए टीम डिटेक्टिव वहाँ पहुँच जाती है। इस होटल को देखकर तो सच में हंटेड वाली फीलिंग आ रही है। सर, क्या यहाँ सच में भूत है? जोया, जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो सच हो, हमें हर एंगल से देखना होगा। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई गेस्ट कहता है चीजें उड़ रही है, कोई कहता है दरवाजे खुद से बंद हो रहे हैं, कोई कहता है उन्हें आवाजें आ रही है। मेहुलवा मौजूद एक गेस्ट से पूछताछ करता है। हम सो रहे थे जब एक आदमी की परछाई दीवार पे दिखने लगी, लेकिन रूम में कोई नहीं था। फिर टेबल पे रखा ग्लास अपने आप हिलने लगा। मेहुल और टीम तुरंत रूम नंबर 204 में तहकीकात करने पहुंच जाते हैं। भूत तो रूम को देख के ही भाग जाएंगे। सर, इस ग्लास के आसपास कुछ स्ट्रेंज मार्क्स हैं, शायद किसी ने ये मूव किया हो। आदि तुरंत होटल के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करता है। सर, ये देखिए, फुटेज में एक शैडो दिख रही है, लेकिन कोई फिजिकल इंसान नहीं है। ये शैडो कोई और नहीं बल्कि एक प्रोजेक्शन है। कई हिडन कैमरास और प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं जो केस को डराने के लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन क्यों? सर, यहाँ एक सीक्रेट रूम है जहाँ से ये प्रोजेक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं। हमें उस रूम तक पहुँचना होगा, ये रूम बेसमेंट में है। पूरी टीम चुपचाप से बेसमेंट में पहुँच जाती है। वहाँ एक आदमी मिलता है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम्हें ये सब नहीं समझना चाहिए था। जब तक तुम जैसे लोग सोचते हैं कि भूत का नाम लेकर लोगों को उल्लू बना सकते हैं, तब तक हम वहाँ पे होते हैं। तुम्हारा गेम खत्म। मैं होटल को सस्ते में खरीदना चाहता था, इसलिए ये सब हॉन्टेड बनाया। अब जेल की हवा खाओ।